आज के बाद इस घर में कोई ऊंची आवाज में या झगड़े के अंदाज में बात नहीं करेगा। आप सबको मैं चेतावनी दे रहा। वृंदा को हाथ पकड़ कर निकालना चाहती थी ना। अब आइंदा अगर आप लोग झगड़ा करने से बाज नहीं आई तो वृंदा आपको हाथ पकड़ के इस घर से निकालेगी। ये सब नहीं चलेगा मोहन, तुम इतना रुआब नहीं कर सकते। अरे हमारी मदद के बगैर एक पल भी नहीं जी पाओगे। अपने ही परिवार वालों को आप दिखा रहे हो। सब कुछ इस मनुष्य की करतूत है। इसी ने हमारे मोहन को भड़काया है, इसी ने। हाँ, ये मकान हड़पने के लिए सब कुछ कर रही है, इसी ने किया है सब कुछ। सकते माँ की आत्मा को दुख नहीं पहुंचा सकते मोहन जी। जवाब दीजिए मोहन जी, आपने क्यों किया ऐसा? मुझे पता है आपने ये सब मेरे लिए किया, पर मैं ऐसी खुशी नहीं चाहती मोहन जी। परिवार के बड़ों का अपमान करके मैं खुश नहीं रह सकती। मैं प्यार की भीख मांग सकती हूँ, लड़ झगड़ का सम्मान नहीं मांग सकती। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी मोहन जी। अब चलिए, माफी मांगिए उनसे, चलिए मोहन जी। वृंदा, क्या लगता है तुम्हें, ये सब करते हुए मुझे खुशी मिल रही है? भाभियों के सामने आवाज ऊंची करते हुए मुझे कोई सुख मिल रहा है? वृंदा, इस घर के आंगन की मिट्टी को मैं चंदन समझता हूं, क्योंकि यहां मेरी भाभियों के कदम पड़े हैं। वृंदा, उन्हें ये सब कहते हुए मेरी जबान के टुकड़े हो रहे थे, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वृंदा, अगर तुम्हें इस घर से निकाल देने से यह परिवार एक हो जाता तो मैं खुद तुम्हें लेकर यहां से चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस परिवार को एक करने का बस अब यही एक रास्ता बचा है। कभी कभी जो काम प्यार से नहीं हो पाता वो डर से हो जाता है। इस मकान को खोने का डर उन्हें एक कर देगा। वृंदा, इस वक्त अगर मैं कठोर बनूंगा तो वो इस परिवार के लिए अच्छा ही होगा। बहुत सोच समझ कर ये रास्ता लिया है मैंने, पर मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। हर कदम पर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा वृंदा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मोहन की जबान से यह शब्द सुनने की नौबत आएगी। किस तरह संभाला उसे, कितना प्रेम, कितनी ममता दी उसे, लेकिन जब से यह औरत उसके जीवन में आई है उसने सब कुछ भुला दिया है, वो प्रेम, वो सारी ममता, सब कुछ। और यह बात वृंदा ने सच साबित कर दिखाई कि सब कोई इस घर से बाहर निकालकर इस घर की मालकिन बन के रही, और इसीलिए तो उसने मोहन से शादी की और सब कुछ भुलवा दिया उसे।
सब कुछ। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जाइए और जाकर मोहन से बात कीजिए, पूछिए उससे कि उसके क्या इरादे हैं। देखिए, मैं इस घर में उसकी और उस वृंदा की चाकर बनके नहीं रह सकती। मैं इस घर में सबसे बड़ी हूं, अगर इस घर में किसी की चलेगी तो वो मेरी चलेगी। कह देती हूं आपसे। अरे वाह, आपकी मर्जी हुई वो आपने किया और हमसे करवाया, और हम सब कुछ सहन कर ले। भला हम आपकी दादागिरी क्यों सहन करें? हाँ, मेरा पति सबसे ज्यादा मेहनत करता है, तो मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि मेरी दादागिरी चलानी होगी। हाँ, तो आपकी मर्जी क्यों उठाए हम? हाँ, तेरा पति सबसे ज्यादा मेहनत करता है और बाकी सबके तो बैठे रहते हैं। वृंदा को देखकर तू भी जबान चलाना सीख ही गई। अरे वाह, आपको तो सारी दुनिया आपकी दुश्मनी लगती है। मैं तो सोचती हूँ कि वृंदा ने बदतमीजी तो आपके साथ की, तो भला हम सब उसके साथ झगड़ा क्यों करें? हाँ, करेक्ट, जबकि उसने हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वाह, ये देखो, अपना स्वार्थ देख कर ही पलट गई है। अरे मैं कहाँ पलट गई? तू ही पलटी है। अरे तू तो चुप रह, बोली मत। अरे तू ही पलट गई है। कैसा बस 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 मैंने बस बस करो ये तमाशा, बहुत हो गया। बात अब हद से बढ़ रही है। तुम सब चुप रहो और मुझे कुछ सोचने दो। सनत, ये मामला बहुत ही बिचक गया है, हमें मोहन से बात करनी ही पड़ेगी। तू और मुकेश मेरे साथ चलना। अपनी नादानी भुलाकर साथ चलोगे या आपस के झगड़े में सब कुछ बर्बाद करके ही रहोगे? तय कर लो। ये नादानी नहीं है मोटा भाई। हर इंसान को कभी ना कभी अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे अपनी माँ की बेइज्जती देखते हुए बड़ी हो। ये मुझसे सहन नहीं होगा। अब समझाने और बातें करने का वक्त बीत चुका है। अब तो जिसको भी इस घर में रहना है उसे मेरी और मेरी पत्नी की बातें माननी होगी। तू ये कहना चाहता है कि हम लोग तुम्हारी पत्नी को बिना वजह सताते हैं? अरे पूछो उसे, बेटी की तरह हर कदम पर उसे अपनापन दिया है। मोहन, उस दिन हम लोग खाना बना रहे थे तब वृंदा को सामने से बुलाया था हमें, और तू ये भूल गया कि खाने के टेबल पर जब वृंदा नहीं दिखती है तो हम लोग उसे सामने से बुलाते, और तू हम पे ये इल्जाम लगा रहा है। भाभियों का बर्ताव अच्छा नहीं है और उन्हें ये बदलना होगा। आप लोग अपनी जबान में वृंदा के साथ चार अच्छी बातें कर लें और फिर उसके साथ बुरा बर्ताव करने से अपनी अपनी पत्नियों को रोके भी नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ कि उसे दुख देने में आप लोग भी भागीदार हैं, पर ये अब मैं सहन नहीं करना चाहता। बड़ा हो गया है मुकुंद, हमने तेरे लिए जो कुछ भी किया, तेरे दुख में हम दुखी हुए, वो सब याद है ना तुझे? क्या सब कुछ भूल गया तू? इसे अगर प्यार नहीं समझता है तो हमारा उपकार समझ। पर मोहन, तू अपने आप में इतना खो गया कि अच्छे और बुरे की पहचान तक ना याद ना रहे तुझे। आपको जो समझना है आप समझिए मोटा भाई, मैं किसी को इस घर से जाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर इस मकान को घर कहना है तो मेरी शर्तों को मानना ही होगा। दिमाग खराब चाहे, भाड़ में जाए तू और तेरी शर्त,
मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। किया हो तो फौरन बर्तन वापस रख दो। मैं तो रसोई में आई नहीं हूँ, आपने ही ढोस बाजी जमाने के लिए ये सब कुछ किया है। हाँ चलपा, तूने तो ये मजाक नहीं किया ना। कम करो, यू डोंट नो तो आई टेल यू बड़ी बहन, तुमने मजाक वाले संबंध अपने आप ही खत्म कर दिए हैं। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। बकवास बंद करो, मैं खाना पहले बना रही हूँ। अरे पहले मैं बना। अरे छोड़, ए, मैं बनाऊंगी। छोड़ो, पहले खाना मैं बनाऊंगी। सारे बर्तन छांट कर मैंने अलग किए। वो वाला क्यों? मोहन जी ने कहा है कि अगर इस छत के नीचे रहना है तो साथ मिलकर खाना पकाना होगा। अगर अलग अलग खाना बना तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। मोहन को भी तूने ही भड़काया होगा, वरना जो कभी रसोड़े में कदम भी नहीं रखता उसे भला छोटे और बड़े बर्तन के फर्क के बारे में कैसे पता? जाओ, जाकर मोहन भाई से कह दो कि यहाँ पर उनकी मनमानी नहीं चलेगी। हमें यहाँ पर जिस तरह से रहना होगा ना, हम लोग वैसे ही रहेंगे। मोहन जी ने ये भी कहा है कि इस घर के दरवाजे हमेशा खुले, जो भी जाना चाहे वो अपना अपना सामान उठाकर जा सकता है। मोहन को कहना जो चाहे वो कर ले, पहले खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे छोड़, खाना मैं बनाऊंगी। नहीं, पहले मैं बनाऊंगी। पहले मैं बनाऊंगी। किसी को बनाना? पहले मैं बनाऊंगी। पहले खाना छोड़ना ये बनाना। अरे छोड़ो, मैं बनाऊंगी। अरे मैं बनाऊंगी। तू बोलता है छोटी, मैं होना। अरे नहीं, पहले मैं बनाऊंगी। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज झगड़ा बंद कीजिए। मोहन जी को बहुत गुस्सा आएगा और उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। छोड़ दो कहती बड़ी भाभी। अरे छोड़ो ना, अरे मैं पकाऊंगी। पारुल छोड़, छोड़ो ना। अरे छोड़ ना, पहले मेरे लिए देखो। मैं बड़ी ना, ये आप सब लोग क्या कर रही हो? क्यों झगड़ रही हो? आस्था बेटा, वो आस्था बेटा, मैं बताती हूँ। तुम आओ, चलो मेरे साथ आओ। आस्था, वहाँ बाहर क्या हो रहा था? माया ऐसे झगड़ा क्यों कर रही थी? बोलो ना वृंदा माँ, प्लीज। देखो आस्था, वो
जब जैसे बच्चे कभी कभी खेल में झगड़ पड़ते हैं ना, वैसे ही बड़ों के बीच में भी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। लेकिन वृंदा माँ, बच्चे तो झगड़ा करके भूल भी जाते हैं, ये लोग भी भूल जाएंगी ना। न जाने अब क्या जहर भरेगी मेरी बच्ची के कान में। हमारे घर का सुख चैन छीन कर हमारे घर की मालकिन बन बैठी है, अब हमारी बच्ची को भी हमारे खिलाफ कर देगी। बोलो ना वृंदा माँ, भूल जाएंगी ना। अभी मैं बाहर जाके देखूंगी तो सब मिलके किचन में खाना पका रही होगी ना, है ना वृंदा माँ? सब नहीं आस्था, तुम्हारे बाहर जाने पर भी उनका झगड़ा जारी ही होगा। मोहन जी, वृंदा अब आस्था को सब कुछ बता दो, उससे कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं। अगर आस्था, आस्था से हम कुछ छिपा भी नहीं सकते। पहले आस्था को अंदर लेकर गई, पीछे पीछे मोहन भाई अंदर चले गए। दोनों जन पता नहीं हमारी बच्ची को क्या समझा रहे होंगे। बहुत तेज बच्ची है मेरी। तो बताइए ना डैडी। बताता हूँ, लेकिन बेटा मैं तुमसे जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वो तुम्हें ध्यान देकर सुनना होगा। सुनोगी ना? हाँ। आस्था, तुमने अपनी सारी माँओं को झगड़ा करते हुए देखा, देखा ना? जानते हो क्या है? ओ, हम सब लोग मिलकर एक खेल खेल रहे हैं। इस तरह का खेल कभी कभी हम बड़े लोग खेलते हैं। इसमें वो सब लोग अंदर अंदर झगड़ा करेंगे, करते ही रहेंगे, फिर सब अलग अलग हो जाएंगे, शायद ये घर छोड़कर भी चले जाएंगे। मतलब तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, लेकिन दरअसल वो मुझे और तुम्हारी वृंदा माँ को हराने के लिए ऐसा करेंगे। बेटा हमारी टीम का काम है किसी भी तरह उन्हें अलग अलग होने से रोकना। अगर हम उनका झगड़ा बंद करवा देंगे तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो हम हार जाएंगे बेटा। अरे डैडी, ऐसा गेम तो हम बच्चे भी खेलते हैं, पता है उसमें क्या होता है? सारे बच्चे मिलके खींचमतानी करते हैं, और अगर पकड़ने वाले ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया ना तो वो बच्चे हार जाते हैं। ये भी ऐसा ही गेम है। हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही। लेकिन इसमें एक फर्क है, इसमें उन्हें स्टॉप कहने पर भी वो लोग रुकते नहीं, लेकिन मैं और तुम्हारी वृंदा माँ उन्हें हरा कर ही रहेंगे। बहुत मजा आएगा डैडी, मैं भी खेलूं? नहीं आसा, बड़ों का गेम है, बच्चे नहीं खेल सकते। क्यों नहीं, आस्था भी खेलेगी, लेकिन बेटा तुम हमारे टीम में रहकर खेलना। उनकी टीम में पहले ही बहुत सारे लोग हैं, हम तीनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि उन्हें अपना झगड़ा बंद करना ही होगा। हाँ डैडी, और हम जीतेंगे भी। हाँ बेटा, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, हमें जीतना ही होगा बेटा, वरना मैं ये बात बड़ी माँ को बोल के आती हूँ कि मैं भी इस गेम में खेल रही हूँ। आस्था बेटा, ये बात तुम किसी को बता नहीं सकती, प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी से नहीं बताओगी। ओके बाबा, प्रॉमिस। देखना डैडी, हम जीत जाएंगे, हम उनका झगड़ा बंद करवाएंगे वृंदा माँ।
पदम पद सा पदम 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 पद